आप सभी का स्वागत है ईआईएस पुजकेशन में। यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कराने को लेकर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और से संबंधित कॉलेज में पढ़ाई करने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, तो आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित जो कॉलेज हैं, आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं सिद्धार्थनगर, वहाँ पे कई सारे अलग अलग कॉलेज में जो वितरण हैं वो करवाए गए हैं, जिसको लेके जो नोटिस वगैरह हैं वो भी देखने को मिल रहा है। और आपके कॉलेज में क्या हलचल देखने को मिल रहा है, क्या तैयारी किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी की ओर से क्या दिशा निर्देश कॉलेजों को दिए गए हैं, इसको लेकर सारी बातें बिल्कुल आपको विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कल जो कि एक स्टूडेंट ने टेलीग्राम पे मैसेज करके बताया कि अब्दुल कलाम आज़ाद पीजी कॉलेज डुमरीगंज सिद्धार्थनगर में फ़ोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करवाया गया। इसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने जो फोटो है वो भी शेयर किया, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि लावा का फ़ोन है जो कि स्टूडेंट्स को दिए गए हैं। क्योंकि आप अगर यूजी पीजी के नॉन टेक्निकल कोर्सेज में हैं तो आपको फ़ोन दिया जाएगा, टेक्निकल कोर्सेज में हैं तो आप टैबलेट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी बी ए बी एस सी बी कॉम आप यू जी पी जी बी एड जिन भी कोर्सेज के लास्ट ईयर के कोर्सेज में हैं और आपका पास आउट जो कि आपके पता है कि रिजल्ट भी आ चुका है, तो रिजल्ट आने के बाद से जितने भी लास्ट ईयर के छात्र छात्राएं हैं तो उनको जो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन है वो दिए जा रहे हैं। बाकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं को इंतजार करना है। बाकी जो अभी लास्ट ईयर में है तो आपके बाद में रजिस्ट्रेशन होंगे और इसके बाद से जो आपको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो इस बारे जितने भी छात्र छात्राएं लास्ट ईयर में थे पास आउट हुए हैं तो उन्हें ये फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का जो लाभ है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी की ओर से भी कॉलेज को जो सख्त दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रिक्ट से सख्त दिशा निर्देश मिल रहे हैं। और सरकार भी अभी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कराने को लेकर, रोजगार मेला को लेकर अभी बहुत काफ़ी एक्टिव चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2024 में इलेक्शन हो, जिसको देखते हुए आपके फ्री टैबलेट स्मार्टफोन में काफ़ी तेज़ी के साथ जो काम है वो किए जा रहे हैं। और सारे यूनिवर्सिटी को, सिर्फ आपके यूनिवर्सिटी नहीं, जितनी भी अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, यूट्यूब पर आपको कई सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर जो सख्त दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जा रहे हैं। कॉलेजों को अलग अलग हर दिन कहीं ना कहीं पर वितरण करवाया जा रहे हैं, तो इसी तरीके से आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित भी जो कॉलेज हैं वहाँ पर वितरण करवाया जा रहे हैं। और पिछले 3-4 दिनों में यूनिवर्सिटी की ओर से भी कॉलेजों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के वेयर हाउसेज से अपने हिस्से का फ्री टैबलेट स्मार्टफोन लीजिए, मैपिंग करवाइए, जो आपके नोडल अधिकारी हैं उनके द्वारा पूरी तरीके से व्यवस्था करवा के जल्द से जल्द जो वितरण है वो करवाए। आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी अलग अलग कॉलेज हैं तो यूनिवर्सिटी की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आपके अक्टूबर और नवंबर के महीने में जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा वितरण करवाए जाएँ, क्योंकि सरकार की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं। और अभी जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की ओर से आपके कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट के वेयर हाउसेज से फ्री टैबलेट स्मार्टफोन नहीं पहुँचे हैं तो जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट के वेयर हाउसेज से आपके टैबलेट स्मार्टफोन लिए जाएँ। और जिन कॉलेजेस में आपके स्टॉक पहुँच चुके हैं उन कॉलेज में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वितरण कराने को लेकर निर्देश दिया गया है, यानी कि अभी आपके वितरण कराने को लेकर पूरे तरीके से आपके कॉलेज जिम्मेदार हैं कि वो कितने जल्दी काम कर। बाकी जानकारी यही दिया गया है कि जितने भी लास्ट ईयर के छात्र छात्राएं पास आउट हो चुके हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा जो वितरण है वो करवाया जाएगा। और अभी जिन भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की ओर से तैयारी करवाए जा रहे हैं तो तकरीबन आपके 15-16 अक्टूबर के आसपास जो वितरण है वो करवाया जाएगा। और इस डेट को हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के लिए डीजी शक्ति पोर्टल को ओपन किया जाता है, वहाँ पर जो वेरिफिकेशन के काम है वो किए जा रहे हैं, जो कि हर महीने 1 से लेकर 15 तारीख तक के लिए ही ओपन किया जाता है। और 15 तारीख के बाद से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करवाया जाता है। तो अगर आपके कॉलेज की ओर से अभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करवाया जा रहा तो फिर आपको 15 अक्टूबर के बाद ही जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करवाया जाएगा, क्योंकि 1 से 15 तक वेरिफिकेशन के काम हो रहे हैं, जो भी मैपिंग वगैरह के काम है वो करवाया जा रहा है। और अगर आपके कॉलेज में स्टॉक नहीं पहुंचा है, वेरिफिकेशन के काम नहीं किए गए हैं, तो फिर 15 अक्टूबर के बाद जो आपको वितरण है वो देखने को मिलेगा। बाकी जिन कॉलेज में स्टॉक पहुंच चुके हैं तो आपको फर्स्ट वीक अक्टूबर में देखने को मिलेगा, अभी जो लास्ट वीक चल रहा है आपके सितंबर के इसमें देखने को मिलेगा। तो आपके पूरे तरीके से कॉलेज के ऊपर है, तो आप लोग अपने कॉलेज में बात कर लीजिए, उनके द्वारा पूछिए कि क्या सारी बातें बताई जा रही हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो मेरे पास अपडेट होगा वो आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो अभी आपके यूनिवर्सिटी की ओर से जो पूरी जानकारी थी जिसको लेकर हमने पूरे तरीके से विस्तार से बताने की कोशिश की। बाकी अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो अपने सवाल को कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें।